भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश में भाषण था। पंडाल सजे हुए थे, कुर्सियां लगी हुई थी, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और वहां पर बीडी शर्मा भी मौजूद थे। दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जेपी नड्डा का ऐसा स्वागत किया जाए कि भोपाल की अगवानी उन्हें याद रहे। नड्डा के भोपाल जबलपुर में ऐसा कार्यक्रम आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पार्टी प्रदेश की वृद्ध कार्य समिति को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपके पंजीयन के साथ ही आपको जो टोपी दी गई है उस टोपी को जेब में और बैग में न रखें, उसको अपने मस्तक पर लगा के रखें, अपने सिर पर लगा के रखें। साथ ही मेरा आपसे आग्रह, ये पटका, ये दुपट्टा भी आपको जो दिया गया है, ये दुपट्टा भी हम सब उसको पहन के रखें। मेरा आप सभी बंधुओं से आग्रह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मध्य में उपस्थित हो रहे हैं। हमारे देखा आपने ये वीडियो में जो आपको दिख रहा है, लाल कलर की कुर्सियां हैं और लगातार यहाँ पे कुर्सियां जो बिखरी हुई हैं, ये कोई इधर उधर का समारोह नहीं हो रहा है, ये कोई शादी समारोह नहीं था, ये जेपी नड्डा के भाषण के टाइम का पंडाल था। जी हाँ, उस पंडाल में सिर्फ और सिर्फ मौजूद जो कि भाजपा कार्यकर्ता थे, लगातार वहां पर जनता की अफगानी के लिए ऐसा पंडाल सजाया गया था, लेकिन भव्य तैयारियां ध्वस्त हो गई। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बीजेपी की सत्ता धाराशाही होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में आपने देखा जिस तरीके से लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता थे, 14 से 16 लोग ही मौजूद थे और यहाँ पर जनता की भीड़ नहीं जुटा पाए, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद टाइम है। वहीं जनता ने तो अब ये भी कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान का 2023 में तबादला होना तय है। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान को भी लोग और जनता ने नकार दिया है। अब इससे बुरा दिन भाजपा के लिए और क्या होगा। दूसरी खबर ये है हार्दिक पटेल। मेरी तरफ से भी हार्दिक पटेल को बहुत बहुत बधाई क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन जो कर ली है, क्योंकि भाई अब जो भी राष्ट्रवादी होगा वही भाजपा में शामिल होगा। अब हार्दिक पटेल को भी आप राष्ट्रवादी चोले में देख पाएंगे। जिस तरीके से हार्दिक पटेल लगातार भाजपा की आलोचना करते थे जब वो कांग्रेस में शामिल थे, तो लगातार उनके जो ट्वीट थे वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि वो क्या सब बोलते थे। तो देखा आपने, ये सारे ट्वीट जो हैं वो हार्दिक पटेल के हैं। जी हाँ, जब वो भाजपा में शामिल नहीं थे, इससे पहले जब वो कांग्रेस में थे, तो ये 2020 और 2017 के उनके सारे ट्वीट हैं कि किस तरीके से वो भाजपा की आलोचना करते थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, कांग्रेस राज में जितनी दुर्गति सेक्युलरिज्म शब्द की हुई थी, वर्तमान राज में वही दुर्गति राष्ट्रवाद और देशभक्त शब्द की हुई है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट सड़क छाप बना दिया गया है, किसी मर्जी को दिया जाए, किसी मर्जी को नहीं दिया जाए या फिर कैंसिल कर दिया जाए। अब वही बात आ गई, जिस तरीके से एक ट्वीट हार्दिक पटेल का ही, ये ट्वीट आपने देखा था, अभी मैंने दिखाया भी था, उसमें लिखा था अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। अब ये ट्वीट जो उन्होंने किया था, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो पहले आलोचना करते थे, अब उसी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके ये कहा था कि भाजपा में सही लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उनको आगे किया जाता है। अब ये किसे कहना चाहते थे? क्या ये शब्द और ये ट्वीट जो किया गया था हार्दिक पटेल द्वारा, क्या अब ये शब्द और ट्वीट हार्दिक पटेल पर सूट करता है क्या? आपने देखा किस तरीके से ये लोग पार्टियां बदलते हैं कपड़ों की तरह, जहां पर फायदा दिखता है वहां पर चले जाते हैं। वही हार्दिक पटेल ने भी किया, शायद इन्हें भी कोई फायदा दिख गया होगा और अब इनको भी वहां पर अच्छी खासी सीट मुहैया करा दी जाएगी और अच्छा खासा पद मिल जाएगा, इसलिए हार्दिक पटेल ने वहां जाने का निर्णय लिया और अब शामिल भी हो गए। वही अब तीसरी खबर मैं बताती हूँ अक्षय कुमार की। जी हाँ, अक्षय कुमार जो अभी बहुत ही चर्चा में है, लगातार उनकी चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की, जो कि गुटखा प्रचारक थे। जी हाँ,
बोलो जुबा केसरी के इतने बड़े बड़े एड देने वाले गुटका प्रचारक अब फिल्म का प्रचारण कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान बड़ी चर्चा में है। ये फिल्म इतनी चर्चा में है कि भाजपा के सारे नेता और मंत्री लगातार इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह को देश के मुद्दों को देखना चाहिए, वहां पर गृह मंत्री जी एक प्रमोशन में जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म अभी आई है अक्षय कुमार की, उसका प्रमोशन के लिए वो वहां पहुंचते हैं। वहीं साथ में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचते हैं। और लगातार इसी तरीके का एक और खेल हमने पिछले टाइम देखा था जनवरी फरवरी में, जो कि कश्मीर फाइल आई थी। जी हाँ, द कश्मीर फाइल भी आई। इसी तरीके से लोगों के यानी कि हिंदू पंडितों के ऊपर बनाई गई थी और हिंदू पंडितों के दर्द की दास्तां को बयां किया गया था। लेकिन जो इतना हिंदू पंडित चिल्ला रहे थे, लेकिन अब जो वहाँ कश्मीर में हो रहा है वो लगातार किसी से भी छुपा नहीं है। वहाँ पर लगातार कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है और मौत के घाट उतार दिया गया है। जी हाँ, एक महीने के अंदर अंदर 13 हिंदू पंडित मौत के घाट उतार दिए गए हैं, लेकिन यह कहीं पर भी चर्चा नहीं है। लगातार नेशनल मीडिया भांड मीडिया की तरह चिल्ला रहा है और लगातार ऐसी खबरें दिखा रहा है जो आपके देश के मुद्दों से बिल्कुल परे है। जी हाँ, ये कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है कि वहां पर अब हिंदू पंडितों के साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या गृह मंत्री जी को वहां जाकर नहीं देखना चाहिए था? जिस तरीके से धारा 370 सेक्शन 35A लगाया गया था, क्या उसके चलते अभी वहां पर ये सब जो हो रहा है, क्या वहां पर देखना नहीं चाहिए था? क्या मोदी जी के द्वारा एक ट्वीट नहीं किया जाना चाहिए था? लेकिन ये सब बहुत छोटी बात है। क्यों? क्योंकि अब पृथ्वीराज चौहान की जो बात हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है पृथ्वीराज चौहान पे, जो कि राजा महाराजाओं में गिनती किए जाते हैं। अब जो गुटका प्रचारक थे वो कलाकार अब इतिहासकार बन गए हैं, जो अब लगातार पृथ्वीराज चौहान का इतिहास खोदने में लगे हैं। वही जब एक इतिहासकार प्रोफेसर रतन लाल एक ट्वीट कर देते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाती है, अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती हैं। लेकिन एक कलाकार जो गुटका प्रचारक है वो इतिहास बताने लगता है, और गुटका प्रचारक अक्षय कुमार जो विमल का प्रचार करते हैं, इतिहास पर उंगली उठा देते हैं, इतिहास के किताबों पर सवाल कर दिया है। जी हाँ, वो कहते हैं हमारी संस्कृति में हमारे महाराजाओं के बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा गया है। जी हाँ, एक गुटका प्रचारक एक इतिहास की बात कर रहा है। सुना है कि लोग कहते हैं जो अक्षय कुमार जुबा केसरी करते हैं, जो भारत और इंडिया दिल में बसाते हैं, वो यहाँ भारत के ना होकर के कैनेडा की नागरिकता लेकर बैठे हैं। जी हाँ, जो इंडिया की बात करते हैं वो कैनेडा की नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा देशभक्ति इन्हीं लोगों से आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें कश्मीरी पंडितों की, तो कश्मीरी पंडितों का दुख जो लगातार अंधभक्त चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहे थे, अब वो कहाँ चले गए हैं? जब इतने लोग वहाँ पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं, जहाँ इतने कश्मीरी पंडित पलायन करने लगे हैं, अब वो अनुपम खैर कहाँ गए जो खुद को कश्मीरी पंडित बताते थे, जो अपना दुख और दर्द पूरी न्यूज़ चैनल के सामने आकर के बयां करते थे, आंखों में आंसू लेकर बोलते थे कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का क्या दुख है। आखिर क्या वो द कश्मीर फाइल सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए बनाई गई थी? ये सवाल है मेरा आप लोगों से, और हिंदू मुस्लिम करने के लिए बनाई गई थी, जो कि हो भी रहा है। लगातार हमारे देश में हिंदू मुस्लिम पर मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से GDP गिर रही है, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, वहीं पर द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में हिट हो जाती हैं, वहीं पर पृथ्वीराज जैसी फिल्मों के प्रमोशन के लिए मंत्री और नेता लगातार सड़कों पर उतर पड़ते हैं और प्रमोशन करने निकल पड़ते हैं, और लगातार ऐसी फिल्में जो देश हित में नफरत फैलाती हैं और जो हमारे देश में बंटवारे के लकीरें खींचती हैं, उन फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। जबकि शिक्षा को टैक्स फ्री करना चाहिए और फिल्मों के प्रमोशन के लिए
ये लोग सड़कों पर उतरकर इस तरीके से जोश और राष्ट्रवादी पंथी जो दिखा रहे हैं, क्या ये लोगों के अंदर इस तरीके की इंसानियत भी बाकी है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके ये सारी सत्ता में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, क्या इसी तरीके से इस देश में तमाशा चलता रहेगा? ये सवाल है। कोई वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़। शुक्रिया।